स्टूडेंट्स वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सुपर इम्पोर्टेंट so महीने बच गए हैं ठीक है तो ये क्लास मेरे स्पेशली क्लास टेंथ के बच्चों के लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लग रहा है कि दीदी अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं हुई ठीक है बस टाइम वेस्ट ही कर दिया टाइम पास ही कर दिया ठीक है या फिर जो पढ़ा है वो याद नहीं ऐसा लग रहा है कुछ तैयारी नहीं हो रखी तो भी आज मैं आपको गाइड करने वाली हूं कि तीन महीने बचे हैं अब भी अगर तुम चाहो तो बढ़िया मचा सकते हो एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब एकदम चिल चल रहा है, आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है तो भी आई है ठीक है तो ये हमारे क्लास टेंथ के बच्चों के लिए स्पेशल सेशन है एंड दीज थ्री डिफरेंस इस तीन महीने में तुम कितनी मेहनत करते हो किस तरीके से मेहनत करते हो इससे तुम्हारा रिजल्ट बनेगा ठीक है तो इट्स अ मस्ट वॉच सेशन टेंथ क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो सेशन को लाइक like करो चैनल सब्सक्राइब करो सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप बच्चों के लिए चलो सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को तो थ्री मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो बेसिकली अभी हमारे पास ये तीन महीने ही बचे हैं नवम्बर डिसम्बर एंड जनवरी ओके तो हमें अब जो कुछ भी करना है इन्हीं तीन मंथ्स के अंदर करना है जो भी हमारा फेस्टिव टाइम था वो सब निकल चुका है दिसंबर के बीच में थोड़ा और तुम्हें लगेगा कि हाँ फेस्टिव माहौल है पर हाँ अब हम कोई और कैजुअलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते ये सोचना कि कल पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे ये सब करना अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं ना कहीं तुम लोगों ने ये अब तक करा है ठीक है कि कल से पढ़ लेंगे एक घंटा बाद पढ़ते हैं वन वीक बाद पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं पर अब कि जो थ्री मंथ्स हैं इसमें तुम्हें सीरियस होना ही पड़ेगा ठीक है जैसे हम अपने मेहनत तो में कर ली फिर तो बढ़िया है ठीक है यू विल रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पर अगर इन तीन महीनों में तुमने कुछ नहीं कराना फिर तुम फंस जाओगे तो हमें इन तीन महीनों में एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है ठीक है तो पॉइंट वन प्लान एवरीथिंग हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि इन तीन महीने हमें क्या करना है जैसे बैटल पर निकलते हैं ठीक है लड़ाई करने निकलते हैं युद्ध करने निकलते हैं तो स्ट्रैटेजी होती है ना ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हैं कि हाँ ये देख लेंगे कर लेंगे संभाल लेंगे स्ट्रैटेजी होती है तो वैसे ही हमें इन तीन महीने को पूरे तरीके से प्लान कर लेना है अब देखो हर बच्चा अलग होता है ठीक है हर बच्चे के सर्कमस्टांसिस एनवायरमेंट फैमिली सब अलग है है ना तो मैं सजेस्ट यह करूंगी कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ पर हाँ मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ कि किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए जनवरी के अराउंड आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो उस चीज को आप अपने टाइम टेबल के में रखना एंड टाइम टेबल बनाते टाइम आपके दो विजन होने चाहिए ठीक है एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म टाइम टेबल शॉर्ट टर्म टाइम टेबल मतलब मुझे आज क्या क्या खत्म करना है आज कितने चैप्टर्स निपटाने हैं और एक आपका लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होना चाहिए दिमाग में मैंने आपके अलग अलग सेशंस भी ले रखे हैं इससे रिलेटेड कि कैसे टाइम टेबल बनाए बहुत बढ़िया ठीक है पर टाइम टेबल को फॉलो करना यहां पर असली दिक्कत आती है तो इन तीन महीने आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है और जैसा भी आप टाइम टेबल बनाओ रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ और उसे आप दिल से फॉलो करो वो बहुत ज्यादा जरूरी है सिमिलरली आप टाइम टेबल बनाते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखना हर एक स्टूडेंट के ना स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे बहुत इंटरेस्टिंग लगते होंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो शायद आपको उतने अच्छे नहीं लगते होंगे ठीक है तो इन दो सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना मैं बताती हूँ जैसे पर्सनली फॉर मी मेरे लिए मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है मैं तुम्हें बार बार बताती भी रहती हूँ ठीक है तो मेरे लिए मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ्स ठीक है मुझे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट इवन फिजिक्स मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं था ठीक है मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या थे मुझे एस एस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पसंद था ठीक है और इंग्लिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं मुझे क्लियरली पता था कि इस सब्जेक्ट में तो मुझे मौत आती है ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है।, है तो पूरे दिन में ना कुछ ऐसा टाइम होता है जब पढ़ने का मन नहीं करता ठीक है ऐसा लगता है कि टायर्ड है नींद आ रही है अपने आप को मनाना पड़ता है कि यार पढ़ ले एग्जाम आने वाले उस टाइम पर तुम अपने इजी सब्जेक्ट्स उठाया करो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो तुम्हें पसंद है ना तुम्हारा मन लगेगा ठीक है और पूरे टाइम पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब अचानक से जोश चढ़ता है कि अब आग लगा कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में उस टाइम में तुम अपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को उठाओ मैथ्स फिजिक्स या तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें मुश्किल लगता है तो अपना टाइम टेबल इस हिसाब से फ्रेम करना कि तुम बोर ना हो जाओ साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना एक सब्जेक्ट के पीछे सारा टाइम वेस्ट मत करना ठीक है जैसे मैं करती थी आ, मैंने आपको बताया कि मैथ्स मुझे नहीं पसंद ठीक है तो मुझे पता रहता था कि मैथ्स में कुछ ना कुछ तो मेरे नंबर कटेंगे ठीक है तो मैं बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत लगाती थी मैथ्स पर और मैं बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा साइडलाइन कर लेती थी एस एस टी इंग्लिश बाकी साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो संभाल लेंगे ये तो हर बार करते हैं ठीक है तो इस चक्कर में क्या होता था एस एस टी इंग्लिश साइंस को अगर मैं थोड़ा और टाइम देती तो मैं उसमें बहुत बढ़िया नंबर ला सकती थी पर मैंने अपना सारा टाइम मैथ्स मैथ्स को कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो ऐसा नहीं करना तुम्हें कि तुम किसी एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए चल रहे हो ठीक है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अच्छे नंबर हमें सारे ही सब्जेक्ट में लाने हैं ठीक है तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की कोशिश करो ऐसा नहीं कि एक एक हफ्ता हो गया तुम एक ही सब्जेक्ट को एक ही बुक को लेते हुए चल रहे हो बार बार अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है ठीक है तो अभी टाइम टेबल से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया कि तीन महीने में हमारा टाइम टेबल कैसे क्या होना चाहिए नेक्स्ट क्या है लिमिट योर रिसोर्सेज इस टाइम के अराउंड ना तुम्हें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी ठीक है तुम्हारे क्लासमेट्स कहेंगे कि मेरे ट्यूशन वाली मैम ने तो ये बुक से पढ़ने को कहा है तुम्हारे जो क्लास का टॉपर होगा वो कहेगा कि एनसीआर बेकार है मैंने तो कहीं और से नोट्स मंगवाए हैं उसी से पढ़ूंगा ठीक है तो जिसको जो करना है करने दो मैं तुम्हें बता रही हूं क्लास टेंथ का एक ही फॉर्मूला है और वो है एन ठीक है एनसीआर इज योर बेस्ट फ्रेंड मेक योर बेस्ट फ्रेंड चाहे वो कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो एस ही नहीं मैथ्स इंग्लिश कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो अभी ये जो तीन महीने हैं ठीक है बाकी सारा जो तुम्हें बाहर से पढ़ना था उसका टाइम निकल गया ये जो तीन महीने हैं उसमें तुम्हें एनसीआरटी के ऊपर ही फोकस करना है ठीक है और मैं ऐसा नहीं है कि बस अब तीन महीने बच्चे इसीलिए कह रही हूं कि एनसीआर इंपॉर्टेंट है अगर तुम एनसीआर की एक एक लाइन दिल से पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारे हर सब्जेक्ट में नाइनटी अब आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है लिमिट योर रिसोर्सेज क्योंकि टाइम कम है हमारे पास तो हमारे रिसोर्सेज भी कम होने चाहिए ऐसे नहीं दस पंद्रह बुक को फैला के तुम पढ़ने बैठे हो नहीं सिर्फ एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी है इसके अलावा अगर और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम हमारे चैनल पर अलग अलग टीचर्स की क्लासेस तो देखते ही हो तो हम लोग अपने क्लासेस में बता देते हैं ठीक है नेक्स्ट रैप अप योर नोट्स ठीक है अभी ये जो आने वाला वन मंथ है नवंबर ठीक है नवंबर के अंदर तुम्हें अपने नोट्स खत्म कर देने हैं ठीक है नोट्स बनाने का टाइम गया तो नवंबर के अंदर तुम्हें अपने नोट्स खत्म कर देने हैं डिसम्बर जनवरी तक तुम्हारा रिविजन टाइम होना चाहिए ठीक है तो अपने ज्यादा से ज्यादा चलो ठीक है नवंबर भी तुम्हें कम लग रहा है तो दिसंबर भी उठा लो नवंबर दिसंबर में सारे तुम्हारे नोट्स खत्म हो जाने चाहिए उसके बाद सिर्फ रिविजन 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 करना जरूरी है तो अगर किसी के नोट्स पेंडिंग है ठीक है अगर तुम्हें लग रहा है इस चैप्टर के नोट्स अभी पेंडिंग है ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करा तो नोट्स तुम्हें रैप अप कर लेना है ठीक है अब वो नोट्स वाला टाइम नहीं रहेगा ठीक है नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग दिस विल मेक ऑल द डिफरेंस जितना मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं रीडिंग लगाकर छोड़ देते हैं एस में कुछ पढ़ा अच्छा ये कहानी थी याद हो गया अच्छा नेशनलिज्म में ये, ये हुआ था याद हो गया ठीक है पर तुम्हें ये गलती नहीं करनी है सिर्फ रीडिंग लगा के नहीं छोड़ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है क्यों क्योंकि एट द द एंड ऑफ डे बोर्ड में तो लिख कर आना है ना वहां पर तो तुम्हारी जो ये रीडिंग लगाई हुई नॉलेज है वो ज्यादा काम नहीं आएगी वहां पर तुम्हें प्रॉपर आंसर लिख कर आना है उसी के नंबर मिलेंगे तो आंसर राइटिंग तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है बाकी बच्चे क्या करेंगे रीडिंग करके जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे पांच मिनट दिमाग में सोचेंगे कि मुझे आता तो है अब मैं लिखूं कैसे इसे तुम्हें वो पांच मिनट वेस्ट नहीं करने हैं आंसर राइटिंग को बार बार प्रैक्टिस करो फिर तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मेट छप जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से मैं लिख कर आ जाऊंगी या आ जाऊंगा तो आंसर राइटिंग हमें स्किप नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट इन तीन महीनों के अंदर अंदर टेस्ट योर सेल्फ बार बार अपने आप को टेस्ट करो बार बार अपने आप को चैलेंज करो मैं तुम्हें बताती भी रहती हूँ कि जब तक हम एक कमरे के अंदर अकेले तैयारी करते हैं ना ऐसा लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है है ना तो अगर मैं भी अपने रूम के अंदर कुछ पढ़ रही होंगी मुझे लगेगा हाँ सब आता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर जब उस चीज को टेस्ट किया जाता है कोई तुमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तब पता चलता है कि नहीं यार सब नहीं आता हम अपने ही बबल में रह रहे थे ठीक है तो बार-बार अपने आप को टेस्ट करो सैंपल पेपर लगाओ जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने सॉल्व कर सकते हो करो यही अब तुम्हारे ठीक है बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सैंपल पेपर और एनसीईआरटी ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये मैंने पढ़ लिया तो मुझे इससे रिलेटेड सब आता है प्रैक्टिस करनी है तुम्हें बार-बार अपने आप को टेस्ट करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप दिल से फॉलो करोगे तो आप इन थ्री मंथ्स के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम में मचा सकते हो एट दी एंड मैं यही कहना चाहूंगी मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो नए नए कॉन्सेप्ट तो याद करो ही करो पर साथ ही साथ रिविजन भी करते रहो ताकि दिमाग से चीजें ना निकले ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वॉज वॉज दिस सेशन यूजफुल अगर आप किसी और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड सेशन चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो इसके अलावा यू कैन आल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम चलो स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू